आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। 15 अप्रैल को होने वाले पंचायत चुनाव के मद्देनजर डीएम और एसएसपी ने किया संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का निरीक्षण, कहा निष्पक्ष और शांतिपूर्वक संपन्न कराएं मतदान। मंडलायुक्त ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चारों जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, आईएमए गोरखपुर, नर्सिंग होम एसोसिएशन एवं प्राइवेट चिकित्सालयों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक, कहा सभी को मिलकर बढ़ाना होगा मंडल में कोविड संक्रमितों के उपचार हेतु बेडों की अधिकतम संख्या, आईएमए ने दिया मदद का आश्वासन। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस ने कहा जिले के सभी बूथों पर पहुंची पोलिंग पार्टियां, 15 अप्रैल को कराएंगी मतदान। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने उनकी प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, दी श्रद्धांजलि, कहा देश डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर के दिखाए गए मार्ग पर चलकर बढ़ेगा आगे। गोरखपुर में बुधवार को मिले 719 नए कोरोना संक्रमित मरीज, 2 की हुई मौत, जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 25,687, अब तक 377 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान, 3,579 हो गए एक्टिव मरीज, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती पर सदर सांसद ने लोगों से किया अपील, कहा मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का करें पालन, शादी विवाह में 100 से ज्यादा लोग ना हो इकट्ठा। त्रिस्तरीय चुनाव कराने के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर से गाड़ियों को किया गया रवाना, 40 गाड़ी रखी गई रिजर्व में, सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा सेक्टर मजिस्ट्रेटों को दी गई 550 गाड़ियां। केक काट कर धूमधाम से मनाया गया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 130वां जन्म दिवस, राज्यसभा सांसद ने डॉक्टर अंबेडकर के जीवन पर डाला प्रकाश। पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए मतदान केंद्रों पर रवाना हुई पोलिंग पार्टियां, 15 अप्रैल को जिले के 4,657 बूथों पर 29,78,569 मतदाता करेंगे प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। गोरखपुर यूनिवर्सिटी एससी और एसटी एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा मनाया गया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती, आयोजित गोष्ठी में उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर डाला गया प्रकाश। कोरोना टीका उत्सव में 49,000 लोगों को लगाया गया कोरोना का टीका, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने दी जानकारी। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती पर कांग्रेसियों ने अर्पित की श्रद्धांजलि, उनके आदर्शों पर चलने का लिया संकल्प। डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर भाजपाइयों ने उनकी प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, दी भावभीनी श्रद्धांजलि। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर सपाइयों ने डॉक्टर अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि, कहा बाबा साहब के दिखाए गए मार्ग पर चलकर देश का नाम किया जाएगा रोशन। और जिला फुटबॉल लीग का चैंपियन बना पूर्वांचल एफसी गोरखपुर, विजेता और उपविजेता टीम को सदर सांसद रवि किशन ने किया पुरस्कृत, कहा हमेशा मेहनत और आदर्श सोच से ही खिलाड़ी बढ़ेगा आगे।